अपने विकास को अपने हाथ में रखते हैं। सबने तय कर लिया कि इस विकास को हम पाएंगे। राजस्थान को अब पिछले पंक्ति में नहीं रहना है, हम आगे जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारे हाथ में हुनर है। हम भी किसी से कम नहीं है। है आप लोगों ने उस मैसेज के ऊपर हम सबको गौर करने की जरूरत होगी। इस मौके पर मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ प्रदेश की जनता का, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सब केंद्रीय नेता, और इनको सबको जिन्होंने हम लोग सबको आशीर्वाद दिया, उन सब और जिनकी वजह से कामयाबी हमको मिली, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनको जरूरत नहीं थी, परंतु इन्होंने सब कुछ छोड़ के काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन संगठनों को भी दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, वो सब संगठनों ने मदद की, इसलिए मैं उनको दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सुन लो, उन सब संगठनों को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन किया है और जिनके सहयोग की वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का, और जो सपने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखे उसको पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। राजस्थान के नव निर्माण और सुराज का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उस संकल्प को पूरा करना ये हमारा लक्ष्य है। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, परंतु इस मुश्किल काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप सबको लगना पड़ेगा। ये एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम सब मिलके जब करेंगे तब उस विकास के मुकाम के ऊपर पहुंचे। आप सब तैयार हो? किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे नहीं चलेगा, काम खुद करना पड़ेगा। आप करो, करेंगे सब लोगों को मिलके, क्योंकि मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कुछ कठिनाई भी आएंगी, और मुझे नहीं सुनना है कि उस समय अरे कठिनाई आ गई ऐसे कैसे होगा। सबको कमर कसना है, क्योंकि जो कांग्रेस का कुराज रहा है, इस कांग्रेस के कुराज की वजह से हम लोगों को बहुत सारा नुकसान राजस्थान के अंदर देखने को मिला। अब सुन लो, मैं तो संघर्ष कर लूंगी, पर आप लोगों को भी करना पड़ेगा। अब तो आपके आशीर्वाद से काम करेंगे सब लोग मिलके। अब मैं संघर्ष नहीं, आप और हम मिलकर करेंगे। राजस्थान को बीमारू और पिछड़े राज्यों की श्रेणी से निकालकर देश के विकसित और अग्रणी प्रदेशों में खड़ा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। पिछले बार हम लोगों ने किया था। प्रदेश की जनता और हमारे सब ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मुझे पूरा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपकी सरकार है, इसको संभालना आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत देगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चार महीने के अंदर हमको वही मेहनत करनी है जो 9 महीने